हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया है। गर्मी है, पंखा बंद कर दिया है। वो पंखा का है, आप लोग बंद कर देते महाराज। बा उधर स्विच है, उसका स्विच दाब दीजिए। तो क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या? अरे क्या बोल रहे हैं? आपको कल का ही दे दिया है? कल के टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी किसी को मिला है? तो किसी को नहीं मिला, आपको कैसे मिल गया? आप कहाँ से लिए हैं? मैं बकलोल भी जाइए, बैठिए आप। तो दिलवा रहे हैं, ए क्वेश्चन लगा दीजिए इसको। है हल्ला काय कर रहे हैं? है शांत रहिए। अरे उधर का पंखा चलाए जी। तो बैटरी डाउन है यार, बैटरी डाउन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या हाल चाल? बढ़िया है। ए लड़की, क्वेश्चन मिल गया। देखिए आज का है कि ना, आज का है ना। चलिए आते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पंखा खोल लिया? कौन खोला है? हे महाराज, पंखा कौन खोल दिया है उधर का? जानते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने से पहले जो है एगो बात बताते हैं। रुकिए एक मिनट, पहले हमको सुन लेने दीजिए। चलिए आ जाइए। अब बताते हैं, बताते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बताएंगे जी। पहला क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिए, एक लड़की थी, 2213 वाला बैच में, प्रीलिम से लेकर मेंस तक सब चीज मेरे पास ही पढ़ी। बहुत बदनाम थी वो, क्लास में बदनाम थी, क्लास में। अरे सुनिए ना महाराज, क्लास में बदनाम इसलिए थी कि उसका नाम भी बोल देते हैं, खैर आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है, अनामिका गुप्ता। तो वो जो है फाइनल नहीं हुआ बेचारी का, और फाइनल नहीं हुआ उस टाइम भी बोलते थे कि ज़्यादा मेकअप पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन बात नहीं मानी मेरा। मेकअप एकदम पूरा पोत की आती थी, और एकदम वो ऐसा परफ्यूम मारती थी कि पूरा क्लासरूम
तो नहीं हुआ, फिर घर चली गई, फाइनल नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना, एक दो क्वेश्चन से मेरिट नहीं बना। बोलते थे कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं पढ़ी, ध्यान नहीं दी। फिर से आई है पढ़ने के लिए 5 से 7 वाला बैच में, उसका नंबर सेव है मेरे मोबाइल में। तो होता है कि जिसका नंबर सेव होता है ना, उसका स्टेटस दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा होता है व्हाट्सएप पे। तो जो है रात में सोने गए थे तो मोबाइल चला रहे थे, तो उसका स्टेटस देखे तो स्टेटस में इस प्रकार का गाना लगाई हुई थी कि जिससे इस बात का आभास हो रहा था कि वो बहकने लगी है, समझ। तो अभी वो क्लास कर रही होगी मेरे ख्याल से, तो उनको संदेश है मेरा, जैसे पिछले बार बोले नहीं ना संभले, वो टेस्ट देती है ऑनलाइन, हमको पता है, ठीक है, नहीं संभले, मेरिट नहीं बना, और इस बार जैसा स्टेटस रात में आप लगाए थे उस स्टेटस से तो ये लगता है कि आपका प्रीलिम्स भी इस बार होना मुश्किल है। आ जाइए अब आगे, पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया, किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया। देखिए, पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, निर्वाचन का क्या मतलब होता है, चुनाव। देखिए, अगर बात हम लोग भारत में चुनाव की करें तो भारत में जो चुनाव होता है दो प्रकार से होता है। अगर हम लोग बात भारत में चुनाव की करें तो भारत में जो चुनाव होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से भारत में चुनाव होता है। भारत में दो प्रकार से जो चुनाव होता है उसमें एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिस चुनाव में आम जनता सीधे तौर पर पार्टिसिपेट करता है, आम जनता सीधे तौर पर पार्टिसिपेट करता है, सीधे तौर पर भाग लेता है, उसी को प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे मुखिया का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये सब प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण हैं। वहीं दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहा जाता है जिस चुनाव में आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेता है बल्कि आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव के प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है, क्योंकि इन चुनावों में भारत की आम जनता भाग नहीं लेती है बल्कि इस चुनाव में आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। क्लियर। अब अगर बात की जाए भारत में चुनाव की शुरुआत की, तो भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है, तो वहीं भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। अब इन दोनों अधिनियमों के पारित होने के बीच में एक अधिनियम पारित हुआ था 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम।
1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1909 का भारत शासन अधिनियम, अर्थात आंसर डी। अब सुनिएगा, देखिए कैसे कह सकते हैं कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। 1909 से पहले 1906 आता है, 1906 में मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की बैठक 1908 में अमृतसर में हुई। मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर बैठक में ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भारत में कम है, इसलिए मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव होने चाहिए। यह मांग मुस्लिम लीग ने 1908 के अपने अमृतसर अधिवेशन में किया। मुस्लिम लीग के इस मांग को अंग्रेजों ने शीघ्र ही मान लिया और अंग्रेजों ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। और जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, तब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, दलित, मजदूर, महिला सब पृथक निर्वाचन की मांग करने लगा। तत्पश्चात बारी बारी से सभी को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस क्रम में सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के तहत मुस्लिम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और 1935 के अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। क्लियर है आंसर 1909। और जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एच एच एक्विट। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया? देखिए, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के अगर तृतीय युद्ध की हम लोग बात करें तो जो यह युद्ध है, यह युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761। यह युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। यह युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। इस युद्ध में अगर देखा जाए तो इस युद्ध में मराठों की हार हुई है, इस युद्ध में मराठों की हार हुई है, अफगानों की जीत हुई है। अब इस युद्ध में मराठों की हार क्यों हुई, मराठों की हार क्यों हुई? इस युद्ध में मराठों के हार के पीछे कई सारे कारण थे। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण था वह यह था कि मराठा गुरिल्ला युद्ध पद्धति का विशेषज्ञ था, या छापामार युद्ध नीति का विशेषज्ञ था मराठा। लेकिन मराठों ने इस युद्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मराठों ने इस युद्ध में प्रत्यक्षतः आमने सामने आकर अफगानों के साथ युद्ध लड़ा। देखिए, समझिएगा, मराठा सैनिक छुप छुप कर वार करने वाली युद्ध पद्धति का विशेषज्ञ था, लेकिन अचानक मराठों ने
पानीपत के तृतीय युद्ध में उस युद्ध नीति का प्रयोग नहीं किया जिसका वो विशेषज्ञ था, बल्कि मराठों ने उस युद्ध नीति का प्रयोग किया जिसका वो विशेषज्ञ था ही नहीं, जिस वजह से मराठों की हार हो गई। यहां से हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं आप छात्रों को। देखिए, अगर 5 सुंदर लड़की का फोटो आपके पास है विवाह हेतु चुनने को लेकर, आप 5 में से जो सबसे सुंदर होगा उसको चुनेंगे। हर किसी का नेचर होता है, हम हो, आप हो या कोई भी हो। जैसे आप यहां पर एकदम चूज कर लेते हैं, हमको सबसे सुंदर चाहिए, उसी प्रकार से जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, आपके परीक्षा में MCQ टाइप परीक्षा में कहीं ये नहीं लिखा हुआ होता है कि पहला क्वेश्चन को ही बनाना है, तब दूसरा पे जाना है, तब तीसरा पे, तब चौथा पे, तब पांचवा पे, ना, एकदम नहीं, नहीं। आप जब परीक्षा हॉल में होते हैं, परीक्षा दे रहे होते हैं, तो आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका यह होना चाहिए, जिस प्रश्न को आप 100% जानते हैं, चाहे वह 10वां नंबर ही प्रश्न क्यों ना हो, पहले आप उसको बनाइए। 10वां नंबर प्रश्न के बाद मान लिया जाए आप 15वां नंबर प्रश्न को 100% जानते हैं, तो 15वां नंबर को बनाइए, फिर ऐसे करके आगे बढ़िए। मतलब जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसको आप पहले बनाइए। देखिए इससे क्या होता है जानते हैं, आपके शरीर के आंतरिक पार्ट में एक पॉजिटिविटी जाता है कि हम सही सही क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तो फिर आप उन प्रश्नों को भी सही करके आ जाते हैं जिन प्रश्नों के 2 ऑप्शन में आप फंस रहे होते हैं। आत्मविश्वास का काफी अहम रोल होता है परीक्षा को पास करने में, परीक्षा को क्लियर करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का बहुत अहम रोल होता है। और परीक्षा हॉल में आपका आत्मविश्वास तब बना रहेगा जब आप पहले वैसे प्रश्नों को डील करते हैं जो आपको 100% आता है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर आप इस नीति को अपनाएंगे आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, नीति नहीं अपनाएंगे सफल नहीं होंगे, एग्जाम हॉल में डिमोटिवेट हो जाएंगे, जाना हुआ क्वेश्चन भी गलती करके आ जाएंगे, जो नहीं जानते उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। समझ गए? तो मराठों ने प्रत्यक्षता युद्ध लड़ा, इसलिए उसकी हार हो गई। अब इस युद्ध में मराठों के हार के और भी कारण थे, और भी कारण यह थे कि जो भारतीय शासक था उसने मराठों का साथ नहीं दिया, बल्कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जैसे अवध के नवाब ने मराठों का साथ नहीं दिया, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, यह भी कारण था। अब इस युद्ध में मराठों के तरफ से जो 2 सेनापति लड़ रहा था, एक का नाम था सदाशिवराव भाऊ और दूसरे का नाम था विश्वासराव भाव, और मराठों के तरफ से तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम गार्दी। और पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहिम गार्दी मराठों के तरफ से तोपखाने का नेतृत्व करते हुए मारा गया, और यही मुस्लिम सेनापति था जो मराठों की तरफ से युद्ध करते हुए इस युद्ध में मारा गया, अर्थात पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इब्राहिम गार्दी। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न ये बनता है कि इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किसने किया, तो अहमद शाह अब्दाली ने।
फिर एक प्रश्न बनता है, इस समय मराठा पेशवा कौन था? तो इस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार को सहन नहीं कर पाया, मर गया बेचारा। और इस समय मराठा छत्रपति हुआ करता था राजा राम द्वितीय, मराठा छत्रपति हुआ करता था राजा राम द्वितीय, राजा राम द्वितीय। और इस समय अगर मुगल बादशाह की बात करें तो इस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय पूछा जाता है आपसे। इसके अलावे एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध को किस विद्वान ने देखा था? इसका आंसर काशीराज पंडित। एक और प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न का उत्तर। मराठा झंडा बालाजी बाजीराव के समय कटक से लेकर अटक तक फहरा दिया गया था, कटक ओडिशा में, अटक पाकिस्तान में। इतना विस्तृत हो चुका था मराठा साम्राज्य। मराठों ने लाहौर के अफगानी सूबेदार को पद से हटा दिया, मराठों ने लाहौर के अफगानी सूबेदार को पद से हटा दिया। यही घटना पानीपत के तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण बना। और इस युद्ध में जब मराठों की हार हुई तो काशीराज पंडित ने बालाजी बाजीराव को युद्ध का परिणाम शायराना अंदाज में सुनाया। दो हीरा विलुप्त हो गया, 27 सोने की मुहरे गायब हो गई, चांदी और तांबा का तो कोई गिनती ही नहीं रहा कि कितना नष्ट हुआ। ये जो स्टेटमेंट है पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट किस युद्ध के संदर्भ में दिया जाता है? तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में, पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में। बात समझ में आया? क्लियर है सब चीज? चेनाब नदी के, चेनाब नदी के संबंध में गलत उत्तर का चयन करें, गलत गलत उत्तर का चयन करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, चेनाब नदी, बात अगर चेनाब नदी की करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में एगो दर्रा है बारा लाचा, बारा लाचा। देखिए हिमाचल प्रदेश के दर्रा को याद रखने का ट्रिक है शराब, सराब, शराब, स से सिपकीला, र से रहतांग, ब से बारा लाचा, ब से बारा लाचा, समझ गए? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बारा लाचा। दर्रा से दो नदी निकलती है, एगो चंद्रा एगो भागा। यही दोनों नदी आगे चल करके मिल जाती है तो चंद्रा और भागा नदी को ही संयुक्त रूप से चेनाब कहा जाता है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। और चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है किस से? सिंधु से। सिंधु की सहायक नदी है ये, और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में ही एक नदी आता है, उसका नाम है झेलम। एक नदी आता है उसका नाम है झेलम। झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर के शेषनाग के निकट स्थित बेरीनाग झील से, शेषनाग के निकट स्थित बेरीनाग झील से। यह नदी भी, झेलम नदी भी आगे चलकर पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है, लेकिन झेलम नदी पर ही पाकिस्तान में मंगला डैम का निर्माण किया गया है। जो मंगला डैम का निर्माण पाकिस्तान में हुआ है
वह चेनाब नदी के तट पर नहीं हुआ है, बल्कि वह झेलम नदी के तट पर हुआ है। कौन नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर हुआ है। इतना में आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा? एबीसीडी क्या? डी होगा। होगा, नीचे से लिखिए एक लाइन। झेलम नदी के तट पर पाकिस्तान में मंगला डैम का निर्माण किया गया है। झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर पाकिस्तान में, झेलम नदी के तट पर पाकिस्तान में मंगला डैम का निर्माण किया गया है। झेलम नदी के तट पर पाकिस्तान में मंगला डैम का निर्माण किया गया है। मंगला डैम का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। संविधान सभा में संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? पहली बार कब पढ़ा गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं संविधान को लेकर संविधान सभा के भीतर कुल तीन वाचन हुआ है। जानते हैं या नहीं जानते? आप जानते हैं। संविधान सभा में संविधान को लेकर कितना वाचन हुआ है? तीन, तीन वाचन। जो तीन वाचन हुआ है उसमें पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब सुनिएगा, इससे रिलेटेड था क्वेश्चन इसलिए ही बता दिए हैं। देखिए पहला वाचन जब 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ तो इस वाचन के होने से पहले ही संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया था। भारत के संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तय कर लिया गया था। क्या कहां होगा नहीं होगा, अब इसमें क्या हटाना है क्या नया जोड़ना है, इन सभी बातों पर विचार विमर्श करने को लेकर ही ये तीन वाचन हुए हैं। इस तीन वाचन के क्रम में, इस तीन वाचन के क्रम में संविधान को कई दफा पढ़ा गया। उसमें जब पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ तो पहली बार संविधान को उसी तिथि को पढ़ा गया, और जब तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई तो अंतिम बार संविधान को 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान को पहली बार पढ़ा गया 4 नवंबर 1948, और अंतिम बार पढ़ा गया 26 नवंबर 1949। बात समझ में आया? बी, आप एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 2 में संविधान का निर्माण है, और उसमें टॉपिक पढ़िएगा संविधान का निवर्तन। संविधान के निवर्तन में दूसरा पैराग्राफ पढ़िएगा तो दूसरा पैराग्राफ में यह लाइन स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। 5वां एडिशन के बुक की बात कर रहे हैं हम आपको। 5, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1915 का कांग्रेस का जो सॉरी 1916 का
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और 1916 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। अर्थात पहला नंबर स्टेटमेंट बताइए सही या गलत। सही। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, यह जो अधिवेशन है यानी 1916 के कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन का काफी महत्व है। कैसे काफी महत्व है? पहली बात यह है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही भाग लिया था, इसलिए महत्व है इस अधिवेशन का। लेकिन वहीं गांधी जी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया, परंतु दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। और इस अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। किससे? तो महात्मा गांधी की मुलाकात हुई बिहार के चंपारण के भीतीहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल ने जो है आग्रह किया गांधी जी को चंपारण आने को। गांधी जी उन्हीं के कहने पर चंपारण आए, चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए, और वही सत्याग्रह गांधी को गांधी बना दिया। एक इसलिए। दूसरा, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। देखिए, कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में पड़ी थी। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हो रहा था। उसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष बनने तथा स्वदेशी आंदोलन चलाने के तौर तरीका को लेकर कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस 1907 में दो भागों में विभक्त हो गया था। कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल और नरम दल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों फिर से एक हो गए। यह भी एक कारण है जिस वजह से इस अधिवेशन का महत्व है। समझ गए? अब इस आधार पर आप स्टेटमेंट नंबर दो को समझ, दो को बताइए सही है या गलत। इसके बाद आगे देखिएगा, इस अधिवेशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है। एक ये कि किसने यह नारा दिया है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब आगे बढ़ करके एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने यह स्टेटमेंट अपने कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान दिया था, तो आंसर हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब आगे सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, 1909 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उन्नीस सौ छह में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार से पृथक निर्वाचन की मांग किया। अंग्रेजी सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। लेकिन जब 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार अंग्रेजी सरकार ने दिया, ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार अंग्रेजी सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया, जब दिया ना, कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस कहा हम इसको नहीं मानते हैं। कांग्रेस जब मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार नहीं किया, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को लगने लगा कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है, जिस वजह से मुस्लिम लीग ने
कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देना बंद कर दिया। कहा न, हम कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है। अब बहुत सारे कांग्रेस के भीतर भी मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के नेता हुआ करते थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का सदस्य हुआ करता था। मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी दूरदर्शी था। मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक होकर के अंग्रेज का विरोध नहीं किया तो फिर ये अंग्रेज बहुत जल्दी भारत से जाने वाला नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को भी समझाया और कांग्रेस को भी समझाया। मुस्लिम लीग को समझाया कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, और कांग्रेस को समझाया कि जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया है अंग्रेजी सरकार के द्वारा तो आप इसको मान लीजिए। दोनों को समझाया तो दोनों बाद में जाकर राजी भी हुआ। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इस समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दिया। अब बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ देने का आश्वासन दिया, और साथ देने का आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि साथ देने का काम भी किया। जब इन बातों को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, इस लखनऊ समझौता का एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता ने विरोध किया था, और जिस नेता ने विरोध किया था उसका नाम था मदन मोहन मालवीय। अब आप हमको बताएंगे कि जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वो सही या गलत? आए सही है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक दो और एगो बात बता देते हैं यहां पे, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देखते होंगे झगड़ा होता है प्यार होता है, झगड़ा होता है प्यार होता है, समझ गए? वैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कभी झगड़ा होता था कभी प्यार हो जाता था, कभी दोनों का रास्ता अलग हो जाता था और कभी दोनों एक हो जाता था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरह था, समझिए। यहां पर एगो क्वेश्चन जान लीजिए, एगो क्वेश्चन पूछा जाता है किस कालखंड को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध में वैमनस्य का कालखंड कहा जाता है, मतलब बेहतर कालखंड कहा जाता है? आंसर 1916 से 1922। ये जो प्रश्न है आपका किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, दर्रा और विशेषता, लिपुलेख दर्रा। देखिए बात अगर लिपुलेख दर्रा की करे तो जो लिपुलेख दर्रा है ना उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रा को याद रखने का ट्रिक है मनाली, माना नीति लिपुलेख, माना नीति और लिपुलेख। और जो लिपुलेख दर्रा है वो यहां पर है। लिपुलेख दर्रा चीन नेपाल भारत, चीन नेपाल भारत। तो यहां पर जो विशेषता मिल गई, यह भारत चीन व नेपाल के सीमा पर बस्ती है, सही है या गलत? एकदम से सही है। दीफू दर्रा, अगर बात दीफू दर्रा की करे तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर दीफू दर्रा है, और दीफू दर्रा जो है चीन भारत और म्यांमार के सीमा पर है। चीन भारत और म्यांमार, तो ये जो है ये भी क्या है? सही। आगे नाथुला दर्रा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बात नाथुला दर्रा की करे तो जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। और इसी नाथुला दर्रा होकर चीनी सैनिक 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान
भारत में प्रवेश किया था, जिस वजह से भारत चीन 1962 के चीन युद्ध के बाद इस दर्रा को बंद कर दिया गया। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान नाथुला दर्रा के रास्ते से ही चीनी सैनिक भारत में प्रवेश किया था, जिस वजह से युद्ध के बाद दर्रा को बंद कर दिया। लेकिन हाल फिलहाल में 2006 ईस्वी में इस दर्रा को फिर से ओपन कर दिया गया है। वर्तमान में यह दर्रा ओपन है, खुला हुआ है, और यह दर्रा नाथुला में है। तो ये जो है नाथुला, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया, सही या गलत? सही है। इसके बाद बनिहाल दर्रा, अगर बात बनिहाल दर्रा की करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को जम्मू से आपस में जोड़ता है, और इस दर्रा से होकर NH44 गुजरता है, जो कि देश का सबसे बड़ा NH है। तो ये भी क्या है? सही। कौन सा सही है? सभी। आंसर डी। देखिए नेक्स्ट, कौन अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी? अनुच्छेद 13। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 13। आगे, नीचे दिए गए घटनाक्रम को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। काकोरी षड्यंत्र केस, देखिए बात अगर काकोरी षड्यंत्र केस की करे तो यह केस जो है आपको 1925 में, कब हुआ है? 1925 में। आप काकोरी षड्यंत्र केस के विषय में जानते होंगे। ब्रिटिश सरकार का खजाना जो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, उसी क्रम में काकोरी नामक स्टेशन पर जो है ब्रिटिश सरकार की खजाना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के क्रांतिकारियों ने लूटने का काम किया। इसी को लेकर जो केस चला उसी को काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है। और काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जिस 4 लोग को फांसी की सजा सुनाई गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4ों को फांसी दिया भी गया। और इन क्रांतिकारियों में से अशफाकुल्ला खां देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए फांसी पाने वाला प्रथम मुस्लिम था, और जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जाना था तो फांसी दिए जाने से कुछ देर पहले राम प्रसाद बिस्मिल को दूध पीने के लिए दिया गया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने दूध पीने से इनकार कर दिया। और दूध पीने से इनकार करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा कि अब मैं भारत माता का ही दूध पीऊंगा, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल का था। आपसे ये बात पूछा जाता है। आगे, बारदौली सत्याग्रह, देखिए बारदौली गुजरात का एक तालुका या जिला था, कौन था? बारदौली। वहां पर अंग्रेजी सरकार ने लगान की दर, टैक्स की दर को बढ़ा दिया। लगान की दर जो बढ़ा दी गई थी, उस लगान की दर को कम करने को लेकर ही सरदार पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसे बारदौली सत्याग्रह कहा जाता है। और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ है। और जब यह सत्याग्रह हुआ तो अंग्रेजी सरकार को लगान की दर को कम करना पड़ा, अर्थात यह भी अपने आप में एक सफल सत्याग्रह था। 1928, चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट। देखिए चटगांव जो है वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, चटगांव के उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, उनका नाम था सूर्य सेन, जो शिक्षक हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने
बंगाल के क्षेत्र में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, और सूर्यसेन ने उस संगठन के माध्यम से ही चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को 1930 ईस्वी में लूटने का काम किया, जिस वजह से उन्हें 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में फांसी पर लटका दिया गया। नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था, 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अब मिलाइए और बताइए उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा, ए होगा, कंफर्म है, मार देना। नेक्स्ट, अगला है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है, दक्षिणी भाग है, भारत के दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री, सह्याद्री। अब देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ए बकलोल भी पैर ऐसे फैला के बैठे, शर्म नहीं होता है? क्या हुआ, पैर में कुछ हो गया है? नहीं ना, पीछे में कॉपी, ओ अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम है तब कोई बात नहीं है, समझ गए। चलिए बताइए, इसे पैर करके बैठे हुई समझे, चलिए है शांत रहिए, आप लोग हल्ला बहुत करते हो, क्या खाते पीते हैं इतना हल्ला करते हैं? घास, दाल भात चोखा। चलिए अब समझिए, देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इन अक्षांश रेखाओं के बीच में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है या नहीं आती? आती है। अब जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से होकर गुजरती है, यह सह्याद्री पर्वत को दो भाग में बांटती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। वहीं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिणी भाग में जो सह्याद्री है, इसे दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर, 1892 मीटर। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आंसर क्या होगा? कालसूबाई। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है, देखिए सुनिए, राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली,
अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में अभी हमारे मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर है, अमेरिका की यात्रा पर है और लौटेंगे, लंबा यात्रा है उनका, 25 जून को लौटेंगे हमको लगता है, 25 जून को, और अभी ऑफिशियल यात्रा पर हैं, अभी सरकारी यात्रा पर हैं। तीसरी बार ऐसा हुआ है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अमेरिका ने आमंत्रित किया है। ऐसे जो मोदी जी जाते हैं वो अमेरिका बुलाता नहीं, आज तक मात्र 3 बार अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाया है। एक बार 1965 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बुलाया गया था, दूसरी बार 2009 में मनमोहन सिंह को, और तीसरी बार 2023 में मोदी जी को। ये ऑफिशियल यात्रा है। ऐसे मोदी जी तो हमेशा जाते ये रहते हैं अपना, वो अलग बात है। चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, कहाँ है अमेरिका चलेगा। ओ हाँ, राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अमेरिका में इस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखिए, इस प्रकार के शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से एकदम स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका विधायिका से एकदम स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, विधायिका यानी वहां का सीनेट हो गया, कांग्रेस हो गया, अलग होता है। लेकिन अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में कोई एक दूसरे, कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से अलग नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका विधायिका से क्या होता है, स्वतंत्र। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्रोह और नेतृत्व करता, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में, इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। भूमिय विद्रोह, इसके नेतृत्व करता थे टीटू मीर। कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल, कोल बगावत, बुद्धो भगत, और बरासत विद्रोह गंगा नारायण। आंसर 2-3-5-1-4, 2-3-5-1-4 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा अलग अलग मात्रा में पड़ता है। कहीं पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पड़ता है, कहीं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक, और कहीं 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पड़ता है। तो जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा अलग अलग मात्रा में पड़ता है, उस आधार पर भारत में वनस्पति कई प्रकार के होते हैं। वनस्पति मतलब वृक्ष, झाड़ी, जंगल, और यहां पर जो प्रश्न है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति से संबंधित प्रश्न है। भारत तथा विश्व का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसी वनस्पति को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। भारत तथा विश्व का वैसा भूभाग जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। इसको सदाबहार अर्थात अंग्रेजी में इवरग्रीन वनस्पति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वनस्पति के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते सदा यानी हमेशा
हरे भरे होते हैं, इसलिए कहा जाता है। अब अगर बात भारत की करें तो भारत में इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, इसलिए इस प्रकार का वनस्पति इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में भी यह वनस्पति सबसे सघन जहां पर पाई जाती है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिस कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है। और इस वनस्पति के जो वृक्ष होते हैं काफी सघन वन होता है। सघन का मतलब समझते हैं, काफी सघन वन होता है और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसका दोहन पहले तो नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है आधुनिक यंत्र के माध्यम से इसका दोहन किया जा रहा है। और इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है बांस, सिनकोना, रोजवुड, आबनूस, ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है। आप देखिए बांस तो देखे ही होंगे, बांस का पत्ता हमेशा हरा भरा होता है कि नहीं होता? होता है। देखिए मिथिलांचल में जब शादी होता है तो सिंदूरदान के बाद लड़का लड़की को कोहबर घर भेजा जाता है, और जो कोहबर घर होता है उसमें बांस का फोटो बना दिया जाता है। पहले होता था ये सब, अब कहाँ होता, अब नहीं होता है। होता है मिथिलांचल में अभी भी थोड़ा बहुत, तो कोहबर घर में बांस का चित्र बनाया जाता है। क्योंकि बांस जो होता है, बांस देखिए वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। एक बांस लगा दीजिए उससे अनेकों बांस हो जाएगा, और एक बार बांस जिस एरिया में लग गया जल्दी खत्म नहीं होता, आप खत्म हो जाइएगा, आपका आने वाला पीढ़ी खत्म हो जाएगा, बांस खत्म नहीं होता है। तो बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए ये चीज किया जाता है। समझ गए? आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 250 किससे संबंधित है समझिएगा। आपको भारत के संविधान में आपातकाल के प्रावधान है या नहीं है? हाँ या ना? आपातकाल के प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 307। तो प्रावधान है तो आपातकाल सब लागू होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा और हुआ है। दूसरी बात, भारत के संविधान में संघ सूची राजसूची समवर्ती सूची का प्रावधान है या नहीं है? है, है। संघ सूची के विषय पर कानून संसद, राजसूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल और समवर्ती सूची पर दोनों बनाता है या नहीं बनाता? बनाता है। अब आगे समझिएगा, अब क्वेश्चन पे आते, ये तो क्वेश्चन का पृष्ठभूमि था, इतना बात जानेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। आपको अगर मान लिया जाए आपातकाल लागू हुआ, इमरजेंसी लागू हुआ, और जब आपातकाल लागू होता है ना, तो आपातकाल लागू होने के बाद समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। उस समय सब निर्णय केंद्र सरकार लेता है, यानी मोदी जी सब निर्णय लेंगे। अगर आपातकाल लागू हो तो इस स्थिति में राजसूची के विषय पर भी कानून भारत का संसद ही बनाता है। ऐसे सामान्य स्थिति में राजसूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है, लेकिन अगर आपातकाल लागू हो तो इस स्थिति में राजसूची के विषय पर कानून
संसद बनाता है, इसी बात की चर्चा अनुच्छेद 250 में है, इसी बात की चर्चा अनुच्छेद 250 में है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए अब आगे ऑप्शन भी जान लीजिए। वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, इसके विषय में विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 279 और 279 ए। अनुच्छेद 279 279 और 279 ए में वस्तु और सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान है। यहां से हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आप बताइए वस्तु और सेवा कर को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिएगा? 100 वस्तु और सेवा कर कैसा कर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हाँ अप्रत्यक्ष कर है ना जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आगे देखिए, विधायन की अवशिष्ट शक्ति से इसका क्या मतलब है जानते हैं? देखिए एक बात आप सब लोग जानते हैं कि आपको जो है वैसा विषय काम करने वाले वैसे विषय जो ना संघ सूची में है ना राज सूची में है ना समवर्ती सूची में है उसको रखा जाता है अवशिष्ट शक्ति में। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? रखा जाता है। और अवशिष्ट सूची में जिस विषय को रखा जाता है उस पर विधि यानी विधायन अर्थात विधि बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है। और इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में। आगे अंतरराष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 में। फ्रांसिसियो ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? काफी अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। आपको जो है कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध का नाम आपने सुना है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए कर्नाटक युद्ध, बात अगर कर्नाटक युद्ध की करें तो जो कर्नाटक का युद्ध है यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। जो कर्नाटक का युद्ध है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और कर्नाटक के तीन युद्ध हुए हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 जिसकी समाप्ति एक्सला सापल की संधि के तहत, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से 54 जिसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 जिसकी समाप्ति पेरिस के संधि के तहत। ये बात क्लियर? अब समझिएगा, प्रश्न प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है तो विस्तार पूर्वक चर्चा प्रथम कर्नाटक युद्ध का ही हम करने जा रहे हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध यहां पर 1748 होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। अब सुनिएगा थोड़ा, ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्यों क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों हुए, यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम आपको। देखिए एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था बर्नॉट। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका क्या नाम था? बर्नॉट। बर्नॉट, बर्नॉट नामक अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया, अर्थात फ्रांसीसी जहाज का पर कब्जा कर लिया, यानी फ्रांसीसी जहाज जा रहा था बंगाल की खाड़ी में,
उस पर कब्जा कर लिया अंग्रेज अधिकारी बर्नॉट। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? अंग्रेज अधिकारी बर्नॉट द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ये बात क्लियर? अब देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह किस युद्ध से प्रभावित है? यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। यूरोप महादेश में एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहा था, और उसी युद्ध से प्रभावित है प्रथम कर्नाटक का युद्ध। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति 1748 ईस्वी में एला सापल या एक्सला सापल के संधि के तहत हुआ, और उसी एला सापल या एक्सला सापल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ। और जब यह संधि हुआ तो इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने भारत में स्थित मद्रास अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने अमेरिका में स्थित एक शहर लुई वई फ्रांसीसियों को दे दिया। मतलब एला सापल या एक्सला सापल के संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास, भारत का मद्रास अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने अमेरिका का क्षेत्र फ्रांसीसियों को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? फ्रांसीसी। तो आंसर क्लियर हो रहा है? क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, और ए ही उत्तर है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा एक लाइन की नहीं लिखिएगा, एला सापल की संधि के तहत, एला सापल की संधि के तहत, एला सापल की संधि के तहत, संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, मद्रास का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, तो वहीं अंग्रेजों ने अमेरिका के लुई वर्ग का क्षेत्र, अमेरिका के लुई वर्ग का क्षेत्र फ्रांसीसियों को सौंप दिया। इस लाइन को पढ़िए, समझ में आया है? क्लियर है ना? चलिए अब जान लीजिए, मंगलौर की संधि 1784 में हुई है। देखिए, अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच युद्ध हुआ था। चार गो युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर के संधि के तहत हुई है। फिर आपको सालबाई की संधि, अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। तीन गो युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई है सालबाई के संधि के तहत, और पांडिचेरी के संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है।
काली मिट्टी, ध्यान से सुनिएगा, बात अगर काली मिट्टी की करें तो जो काली मिट्टी है या भारत में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है या भारत के कुल क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर पाई जाती है और इसका रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी जल धारण करने में माहिर है, यानी जल ग्रहण करने में माहिर है, पानी सोखने में माहिर है। और जब यह मिट्टी पानी को सोखती है ना तो चिपचिपा हो जाती है। कैसा? चिपचिपा हो जाती है। दूसरी बात, यह जो मिट्टी है इसे स्थानीय तौर पर रेगूर मिट्टी कहा जाता है, रेगूर, तथा ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसे करैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करैल। उत्तर प्रदेश में करैल और स्थानीय स्तर पर रेगूर, रेगूर या ब्लैक अर्थ कहा जाता है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और बात अगर इस मिट्टी की करें तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ध्यान से सुनिएगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, तो वहीं इस मिट्टी में पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की मात्रा पर्याप्त होती है। पर्याप्त मात्रा में पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। क्लियर है? अब आइए, पहला नंबर स्टेटमेंट सही या गलत? सही। दूसरा, सही या गलत? गलत। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पर्याप्त नहीं होता बल्कि कम होता है। पर्याप्त होता है पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इसे रेगूर, ट्रॉपिकल, ब्लैक अर्थ तथा उत्तर प्रदेश में करैल की संज्ञा दी जाती है। हाँ, यह मिट्टी चाय व कॉफी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नहीं, कपास के लिए। और यह मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। समझ गए? अब आगे सुनिए, चाय और कहवा के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है वह लेटेराइट मिट्टी है। कौन मिट्टी है? लेटेराइट। कौन मिट्टी है? लेटेराइट। नीचे देखिए, कौन सा असत्य है? आंसर क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, चलिए, मुंबई मामले संबंधित है। हे सुनिए, हो कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बना है। सिद्धारमैया से पहले कौन था? बसवराज बॉम्बे था ना जी। उसके पिताजी थे, उसका नाम भी कोई बॉम्बे ही है, वे भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 1994 में अनुच्छेद 356 पर विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। और उनकी याचिका पर, मुख्यमंत्री थे कर्नाटक राज्य के, तो उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार विमर्श किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन 1994 में दिया। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 356 पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। और बात अगर अनुच्छेद 356 की करे तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बॉम्बई मामला है इसका संबंध है राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए, तब आंसर टिक कीजिए। आज के आंसर में 2 आंसर गलत है जो सुधार नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 43, जो बीच में डिस्कशन छोड़ के जाते हैं या डिस्कशन नहीं करते, एक आध गो गलत तो याद रखिए। ठीक है, क्या है कि ना? हाँ है जरूर। है, लाइट काहे बंद कर रहे हैं? चलिए चलिए, खड़ा कहाँ है? बैठ जाइए ना महाराज, आप खड़ा मत रहिए।
हम तो खड़ा है ये, हमको तो कष्ट है ये है जीवन में। चलिए आपका है खड़ा रख, बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है। हाँ ताली बजाइए, गुच्छों में आप लोग तालिये बजाने लगते, लगता तालिये बजाने के लिए पैदे हुए। आगे आइए, समाज समता संघ बी आर अंबेडकर। हाँ समाज समता संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया है, और भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना किया है 1927 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा महात्मा गांधी नहीं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने किया था, अंबेडकर ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया, नहीं गलत है ये। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना डी आर शिंदे ने किया है, हाँ इसकी स्थापना डी आर शिंदे ने 1906 ईस्वी में किया है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं, क्या को युग्म सही सुमेलित आए, दू गो ना मारेंगे मुहे तोड़ देंगे बेहतरी। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं, अरे ये लाइन पढ़िए ना, उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं, एक और चार यानी दू गो। आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। बिंद सेल निकाय यानी बिंद श्रेणी, बिंद क्रम का चट्टान, सेल चट्टान, बिंद क्रम का चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिंद क्रम का चट्टान जो है रत्न व भवन निर्माण सामग्री के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए समझिए। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और जो मंत्री परिषद होगा इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करे। राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करे। अब देखिए एक संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और फिर एक संविधान संशोधन हुआ है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ है, इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। देखिए जो आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब पहला नंबर स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए सही है या गलत, क्या है, सही है। इसके बाद आगे सुनिएगा, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो उसमें
राष्ट्रपति को कुछ रियायत दी गई और कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा यह जाता है तो फिर राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। एक बार फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन दोबारा जाने पर मानने के लिए बाध्य होता। बताइए दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही या गलत। सही है ना, बताइए कौन कौन सा सही, एक और दो दोनों। नेक्स्ट, भारत में दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब रुपया पैसा, फौजदारी मतलब मारपीट, कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया। किया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। विश्व की लगभग आधी आबादी, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या केवल 6 देशों में रहती है, निम्नलिखित में इन्हें पहचानिए। देखिए एक बात, मतलब विश्व में अगर 100 जनसंख्या है तो 50 जनसंख्या मात्र 6 देश में रहता है, समझ गए। तो विश्व की 6 सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है उसी में विश्व की 50% जनसंख्या रहती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान। ये जो 6 देश है यही 6 देश में कुल आबादी का 50% रहता है। बताइए आंसर क्या हो। देखिए वो सब जो है ना, 2021 का जनसंख्या रिपोर्ट जब प्रकाशित होगा ना तब मान्य होगा। जैसे आप सुने होंगे बीच में रिपोर्ट आया था कि लिंगानुपात ज्यादा हो गया है पहले की तुलना में, और हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो गया है। तो ये सब अभी मान्य नहीं होगा, जब तक 2021 की जनसंख्या प्रकाशित नहीं होती है तब तक ये सब चीज मान्य नहीं होगा, समझ गए। तो वो आ जाएगा ना तब मान्य होगा, तब आप इसको मानिएगा, समझ गए, अभी नहीं मानना है। अभी 11 के जनगणना के अनुसार सब चीज मान के चलना है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 संबंधित है, देखिए ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजव्यवस्था में एगो जो है राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति, बात अगर उपराष्ट्रपति की कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति से ही संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह पद अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति आरएस यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। फिर अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। ये बात कहता है अनुच्छेद 65। फिर अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी देता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं कौन भाग नहीं लेते हैं तमाम प्रकार की जानकारी हमें अनुच्छेद 66 से प्राप्त होता है।
अनुच्छेद 67 की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और अनुच्छेद 67 यह कहता है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। छापना है छाप ली। लड़का सब हमको मैसेज करता है, पूछता है हाय सर खाना हो गया? खाने खाने के लिए तो हम पैदे हुए हैं, और कोई काम थोड़े है। आए ना, इधर से जवाब देंगे हम पगलाइए जाएंगे। आए भोज, कौन चीज का भोज? आप लोग शादी कीजिए, भोज हमको खिलाइए। कुटागार शालाओं का संबंध अधोलिखित में से किससे है? देखिए कुटागार शाला बोधों का वह स्थान जहां बोध भिक्षुक वाद विवाद करते थे, उसी को कुटागार शाला कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा वाद विवाद से संबंधित बोध स्थल। फिर जो है एक चैत्य होता है, एक बिहार होता है। चैत्य वैसा स्थल जहां बौद्ध धर्मावलंबी के लोग पूजा अर्चना करते थे, बिहार वैसा स्थल जहां बौद्ध धर्मावलंबी के लोग निवास करते थे। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है। डेजर्ट, डेजर्ट का हिंदी क्या होता है? रेगिस्तान या मरुस्थल। रेगिस्तान या मरुस्थल नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है, वहां पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है। समझ गए? हाँ। आगे कच्छ का रण गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है गुजरात में। वही सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोबा है, जो कि असम में है। बतिया रहे ये मुंह तोड़ देंगे हम, आपस में बतियाने के लिए आए, समझिएगा। चलिए आगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ है? ओडिशा में। आगे, मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। सुनिए, अय मुगल काल में बादशाह अकबर का नाम सुने? मुगल काल का सबसे महान बादशाह अकबर। अकबर के समय ही मुगल भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया, और अकबर के समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण जो 4 वर्गों में किया गया, पौलज परती चाचर बंजर। पौलज परती चाचर बंजर, पौलज भूमि उस भूमि को कहा गया जिस पर प्रति वर्ष कम से कम 2 फसल का उत्पादन होता हो, उसको पौलज भूमि कहा गया। तो नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पौलज। प्रति भूमि उस भूमि को कहा गया जहां 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती हो, उसको प्रति भूमि कहा गया। फिर चाचर, वैसी भूमि जहां 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, उसको चाचर भूमि कहा गया। और वैसी भूमि जहां 4 या 5 वर्ष के अंतराल पर या खेती ना की जाती हो, उसी को बंजर भूमि कहा गया। 2, 1, 4, 3 आंसर सी। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला, इडुक्की परियोजना तापीय शक्तिगृह परियोजना है, सही है या गलत?
गलत गलत है। देखिए जो इडुक्की है, बात अगर इडुक्की की करे तो इडुक्की परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है और यह एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है। यह एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, हाँ यह भी केरल राज्य में है, पंबा नदी पर, केरल राज्य में पंबा नदी पर है। यह एक प्रकार का जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा नदी पर स्थित कर्नाटक में स्थित परियोजना है जो कि एक सिंचाई परियोजना है। रामगंगा परियोजना उत्तर, सॉरी रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सही है, ये भी कौन कौन सही है, 2, 3 और 4, यानी आंसर ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। एगो है विश्वास प्रस्ताव, और एगो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन, और अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए अगर बात विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की करे तो विश्वास प्रस्ताव भी हमेशा 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 के लिए लोकसभा में आता है और अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा 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 के लिए लोकसभा में आता है। इन दोनों प्रस्तावों को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, इन दोनों प्रस्तावों को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। विश्वास प्रस्ताव एक लाइन का प्रस्ताव होता है जो राष्ट्रपति के कहने पर सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और इस विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता पक्ष राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाता है कि हमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। और अगर इस विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है और यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव यह हमेशा 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 के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विपक्ष के द्वारा लोकसभा के कम 50 सदस्यों के लिखित समर्थन से उचित कारण बताते हुए लाया जाता है, तभी जा करके इस पर लोकसभा में चर्चा होता है। और अगर चर्चा के दौरान अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तब भी सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया है। पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, परंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह पारित हो गया। अर्थात दोनों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री की श्रेणी में आते हैं। बताइए पहला नंबर सही या गलत, दूसरा कौन सा सही है, ना तो एक ना ही दो, अर्थात आंसर डी। मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी जिसने अपने विजय क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, इसकी हत्या किसने की थी, अली मर्दान खां। किसने किया था, अली मर्दान खां। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, देखिए ध्यान दीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले एक कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का सृजन किया। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति आने से पहले पूरे विश्व में भूखमरी की स्थिति होती थी, अकाल पड़ता था, लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भूखमरी के कारण मर जाते थे। तो नॉर्मन बोरलॉग ने जब हरित क्रांति लाया तो गेहूं चावल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा, जितना लोगों को आवश्यकता थी।
तो फिर एक प्रकार से उन्होंने वैश्विक जगत में शांति व्यवस्था को कायम करने का काम किया। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाए गए हरित क्रांति से प्रभावित होकर नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति ने 1970 ईस्वी में यह तय किया कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, और फिर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1970 ईस्वी में। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है, और जो नॉर्मन बोरलॉग है इसके नाम पर एक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई है जिसे बोरलॉग पुरस्कार कहा जाता है, जो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अधीनस्थ विधायन समिति की स्थापना कब किया गया? अधीनस्थ विधायन समिति की स्थापना किया गया है 1953 में। इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। अधोलिखित कथनों में से कौन सा हरिहर द्वितीय के संदर्भ में असत्य है, मतलब हरिहर द्वितीय के संबंध में गलत है? ध्यान दीजिएगा गुरु जी, लोग ध्यान दे रहे हैं। आए विजयनगर साम्राज्य का नाम आपने सुना है, हाँ या ना? हाँ। विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष होता था, हाँ या ना? हाँ। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत चार राजवंश के शासकों ने शासन किया, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आबिडू वंश। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया। संगम वंश के ही शासक हुआ करता था हरिहर द्वितीय। संगम वंश के अंतर्गत सबसे पहले शासन किया हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम। तो यहां पर प्रश्न है हरिहर द्वितीय से संबंधित। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश के शासक 1377 ईस्वी से लेकर के 1406 ईस्वी तक रहे। हरिहर द्वितीय विद्वान व्यक्ति था, विद्वानों को संरक्षण देता था। इनके दरबार में सायन नामक महान विद्वान रहता था जो प्रधानमंत्री के पद पर था, जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर टीका लिखने का काम किया। साथ ही साथ ये विजयनगर साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक भी हैं, क्योंकि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण करता है वो स्वतंत्र शासक माना जाता है, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है हरिहर द्वितीय। इसी वजह से इन्हें प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है। साथ ही साथ बड़ी साम्राज्यवादी था। साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में श्रीलंका तक पर आक्रमण कर दिया था इन्होंने, लेकिन शासन प्रशासन करते हुए 1406 में इनका निधन हो गया। 1406 में जब इनका निधन हो गया तो इनका उत्तराधिकारी इनका बेटा देवराय प्रथम बना। और अगर देवराय प्रथम की बात करें तो जो देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम का शासन काल है 1406 से 1422। देवराय प्रथम जब शासक बना तो देवराय प्रथम का संघर्ष बहमनी साम्राज्य के सुल्तान फिरोज शाह बहमन शाह के साथ हुआ। देवराय प्रथम का संघर्ष बहमनी साम्राज्य के सुल्तान फिरोज शाह बहमन शाह के साथ हुआ। इन दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ है उस संघर्ष को ही इतिहास में सोनार के पुत्री का युद्ध कहा जाता है। सोनार के पुत्री का युद्ध कहा जाता है, और इस संघर्ष में देवराय प्रथम की हार हुई, फिरोज शाह बहमन शाह की जीत हुई। और जब देवराय प्रथम की हार और फिरोज शाह बहमन शाह की जीत हुई तब दोनों के बीच समझौता हुआ, और उस समझौता के तहत देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमन शाह के साथ करवाया। यही कहानी है। इतना पर आंसर क्लियर हो जाएगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत? ए बी सी डी क्या है? डी होगा। तो सोनार की पुत्री का युद्ध हरिहर द्वितीय और फिरोज शाह बहमन शाह के साथ नहीं हुआ, बल्कि सोनार की पुत्री का युद्ध देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमन शाह के साथ हुआ, जिसमें देवराय प्रथम की हार हुई है, ना कि हरिहर द्वितीय की हार हुई है। आंसर डी। भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन किस किस्म का होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा। रेशम का जन्मदाता देश कौन? चीन। रेशम का जन्मदाता देश चीन। लेकिन भले ही जन्मदाता हो परंतु रेशम मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। ईरी
टिरी के बाद मलबरी, ओक टसर, मूंगा, ट्रॉपिकल टसर। भारत संभवतः विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो पांचों किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है, और उसमें भारत सबसे ज्यादा जिस किस्म के रेशम का उत्पादन करता है वह है मलबरी। क्या है? मलबरी, मलबरी। यहां पर फोरम नहीं, कोरम नहीं, फोरम होगा, सॉरी, कोरम नहीं, फोरम होगा, फोरम, फोरम सुधार कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस विषय पर पहला संसदीय फोरम गठित किया गया था? देखिए, पहला संसदीय फोरम 2005 में गठित किया गया था, और 2005 में पहला संसदीय फोरम गठित किया गया था जल संरक्षण एवं प्रबंधन। बच्चों को लेकर संसदीय फोरम 2006 में, आपदा प्रबंधन पर 2011 में, जलवायु परिवर्तन पर 2008 में। यानी इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा? ए, ए। बात क्लियर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप को आधार माना तथा महत्वपूर्ण वर्ग खुद और मुकदम को भी भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम जनता देती थी? ठीक काम कौन कर सकता है, थोड़ा सोच के बताइए। अरे सबसे बड़ा क्रूर अत्याचारी जो अपने ससुरों को मार दिया, वही किया था ये काम। अलाउद्दीन खिलजी उत्तर होगा। आए, आए, हाँ, चचा भी था, ससुर भी था। चलिए, ऊर्जा गंगा परियोजना सुनिए। बात अगर ऊर्जा गंगा परियोजना की करे तो यह भारत की आंतरिक परियोजना है। जो ऊर्जा गंगा परियोजना है यह भारत की आंतरिक परियोजना है। इस परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर 2016 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, और इस परियोजना की लंबाई 2540 किलोमीटर है, और इस परियोजना के अंतर्गत गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक बिछाया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक बिछाया गया है। इसका विस्तार भारत से लेकर ईरान तक नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सुधार लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। आए, एक और दो होगा, होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सुनिए। देखिए, न्यायाधीश, न्यायाधीश को अंग्रेजी में कहते हैं रीट, WRIT, रीट। क्लियर? अब आगे समझिएगा। रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226। रीट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को कम अधिकार है, हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ तब रीट जारी कर सकता है जब नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन वही हाई कोर्ट मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में तो रीट जारी कर ही सकता है, तथा अन्य अधिकारों के हनन होने की स्थिति में भी रीट जारी कर सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रीट जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकार का हनन हुआ, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने के साथ साथ उन स्थितियों में भी रीट जारी कर सकता है जब अन्य मौलिक अन्य अधिकारों का भी हनन हुआ हो। अर्थात रीट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार होता है। बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? क्या दोनों सही है? आंसर सी। मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल के विषय में जानकारी तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ना मिलती है,
तो पहला है कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा। हाँ, कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा था, सही है। मौर्य काल के विषय में जानकारी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है, अर्थशास्त्र में बड़े अधिकारियों के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है और तीर्थों की संख्या हुआ करती थी 18। कितना? 18। तो शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। हां, मतलब क्या है? सही। पन 3/4 तोले का सोने का सिक्का होता था? नहीं, अगर पन की हम लोग बात करें तो पन सोने का सिक्का नहीं होता था, बल्कि चांदी का सिक्का होता था। और मौर्य कालीन जो सबसे प्रचलित सिक्का था वो पन ही था, जो चांदी का सिक्का होता था, जिसे धरण या कारसा पन भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त का महल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, जो उस समय का सबसे भव्य भवन था ना। चंद्रगुप्त मौर्य का भवन लकड़ी का बना हुआ था, लाल बलुआ पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी। सही कौन कौन है? केवल एक और दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? रेलवे जोन है और मुख्यालय है। देखिए, भारत को टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। अलग अलग रेलवे जोन का मुख्यालय अलग अलग है। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है, सही है ये। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, नहीं। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। कौन ऐसा भारत का शहर है जहां पर 3 रेलवे जोन का मुख्यालय? कोलकाता। कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर में है, ठीक है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, सही है, आंसर बी। कोई साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, राज्य में सामान्यतः 2 सदन होता है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। मान लिया जाए कोई साधारण विधेयक है, विधानसभा में आया तो विधानसभा उसको पारित कर देता है, तब वह विधेयक विधान परिषद जाता है। विधान परिषद में जब विधेयक जाता है तो पहली बार में विधान परिषद या तो स्वीकृति देगा या स्वीकृति नहीं देगा। विधान परिषद अपने पास रोक कर रख लेगा। पहली बार में विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकता है। अगर 3 माह तक विधान परिषद कोई निर्णय नहीं देता है तो फिर यह विधेयक पुनः विधानसभा के पास चला जाता है। विधानसभा फिर से इसे पारित करता है और विधानसभा फिर से इसे पारित करके विधान परिषद के पास भेजता है। इस बार विधान परिषद के पास 1 माह होता है। 1 माह में अगर स्वीकृति दिया ठीक है, अगर नहीं दिया तब पर भी ठीक है, विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा। अर्थात विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक 3+1=4 यानी 4 माह तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। आंसर 4 माह। अकबर के शासनकाल में 1560 के दशक में, 1560 के दशक मतलब 1560 से 1570, 1564 में मूल तौर पर यह हुआ था, तो 1564 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल से बारिश हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है, बारिश हो। हाँ? हाँ? मारेंगे, मुहे तोड़ देंगे। 4 माह बताए, याद रखिए ना, अपना का दिमाग लगाते हैं, है शांत रहिए ना जी, है शांत रहिए। अकबर के शासनकाल में 1560 के दशक में आसिफ खां, एगो बात बताइए, गर्लफ्रेंड के साथ एनआईटी घाट पर बैठते हैं तब टाइम देखते हैं? तब तो 5 घंटा के बदला 8 घंटा गुजर गया, पते नहीं चला, और पढ़ने में टाइम हुआ बस काम खत्म। अकबर के शासनकाल में 1560 के दशक में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया था, तब उनका सामना किससे हुआ? रानी दुर्गावती।
लीजिए आप लोग लीजिए 2008 दोनों गलत है, गलत है, प्राकृत होगा, सही है। रुद्र दामन नहीं बल्कि नहपान को पराजित किया था सिक्के, हाँ सही है, सही है। आंसर 2, 4 और 5 वैशेषिक दर्शन, बेरियर एल्बिन, नाइजीरिया, ताजिकिस्तान, माउंट आबू, माइट इज राइट, डिस्कोर्स ऑन इन इक्विलिटी, लॉक, नैसर्गिक विधि, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, 2, 3, 1, 4 हो गया ना। हाय आंसर टिक कर लीजिए, हो गया। और हल्ला कीजिए, हम क्या करें, आप ही लोग ना हल्ला कर रहे थे। सर जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, अब तो हल्ला मत किया कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। 10 बजे से पहले किसी का गेट थोड़े लगता होगा, मान लिया जाए 10 मिनट ज्यादा ही हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तब बताइए, हल्ला आप ही लोग ना कर रहे थे, ठीक है। हाँ कल जो है, हाँ टेस्ट होगा, मेरा टेस्ट होगा कल, मेरा टेस्ट होगा, ठीक है, मेरा टेस्ट होगा कल, टेस्ट होगा और मेरा टेस्ट होगा, मेरे ख्याल से मेरा ही टेस्ट।